हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ना फिस्टुला के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले जब आप किसी बीमारी के इलाज की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए बीमारी क्या होती है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिस्टुला, जिसको आम भाषा में भगंदर कहते हैं, ये एक बीमारी है जिसमें टॉयलेट वाली जगह जहाँ से हम पॉटी पास करते हैं उसके पास एक फिंसी या फोड़ा हो जाता है। देखने में छोटी सी फिंसी लगती है, पर वो अंदर तक फैला हुआ होता है और उसमें पस आती रहती है। कभी आ जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी आ जाती है, कभी बंद हो जाती है। अब फिस्टुला दो तरीके का होता है, एक सिंपल फिस्टुला, एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। जो मेरा मेन आज आपको समझाने का जो पर्पज़ है ना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो सिंपल फिस्टुला है, इसका इलाज तो सिंपल होता है, मतलब आराम से इसका इलाज हो सकता है, बहुत छोटे ऑपरेशन में अच्छा इलाज हो जाता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या होता है, जिसमें 1/3 से ज़्यादा स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो, यानी तीसरे हिस्से से ज़्यादा जो आपकी लेटरिन की जगह का छल्ला है, जो आपके स्टूल को कंट्रोल करता है, वो अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। या जो आपके डीप मसल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, जिसको लिवेटर एनआई कहते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहते हैं। कई बार फिस्टुला की पस जो होती है ना, दोनों स्फिंक्टर के बीच की जगह से होते हुए पेट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे केसेस भी बहुत अब मिलने लग गए हैं। इन ये सारे केसेस आते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में। अब कॉम्प्लेक्स फिस्टुला वाकई एक टफ डिजीज़ है और इसका पहली बार में इलाज परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑपरेशन करवाया और वो ठीक नहीं हुआ तो वो जगह सख्त हो जाएगी, तो दूसरा ऑपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसमें सक्सेस का चांसेस भी कम हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं जिन्होंने 6 बार 7 बार या 8 बार ऑपरेट कराया हुआ है। तो पहली बात यह है कि आपका पहली बार में ऑपरेशन परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आप ठीक जगह पे पहले से इलाज कराएं। इसमें हम लोग जो यहाँ इलाज करते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का, हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है RIKT, जिसमें हम बहुत छोटे जख्म के अंदर फिस्टुला को ट्रीट कर देते हैं। इतना छोटा जख्म बनता है कि पेशेंट उसी दिन से जाके अपना काम कर सकता है और उसकी जो माइनर ड्रेसिंग होती है वो कोई भी, जैसे उसका कोई भी फैमिली मेंबर सीख सकता है और उसको कर सकता है। फिस्टुला ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने इलाज कराया और काम खत्म हो गया। ये आपको पहले ही समझने की ज़रूरत है। फिस्टुला के अंदर एक डेडिकेटेड मैन पावर चाहिए। जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ एक अलग से 5 लोगों की टीम बनाई हुई है जो सिर्फ फिस्टुला की ड्रेसिंग, फिस्टुला का फॉलोअप वो सब देखते हैं। तो उसमें क्या, हम उनकी वीकली मीटिंग्स करते हैं, जो जो लेटेस्ट चीज़ें आई हैं उसके बारे में उनको अपडेट करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है। और उसमें क्या है कि जैसे अब फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ, पहला स्टेप, फिस्टुला का ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट ने घर जाना है, उसको जो ड्रेसिंग के लिए गाइडेंस देनी है वो सेकंड स्टेप हुआ, उसको मोटिवेट करना कि बहुत ही सिंपल है। तीसरा, घर जाके जो उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है उसके लिए भी हम लोग उसको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो घर जाके वो देख सकता है, ताकि उसको एक एक चीज़ अपडेटेड रहे, उसको हर चीज़ का पता हो मैंने घर जाके क्या करना है, ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बस मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ इतना ही है कि जिस फिस्टुला को आप सिंपल समझ रहे हो, सकता है वो भी कॉम्प्लेक्स हो। तो बिना डॉक्टर को दिखाए कभी भी फिस्टुला को इग्नोर ना करें और इसका इलाज टाइम पे कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।